पलवल के होडल की अनाज मंडी में 15 दिन पहले सीएम फ्लाइंग की टीम में 20,000 क्विंटल धान के घोटाले के मामले में ये एक पूरा मामला उजागर किया था, जिसमें खरीद करने वाली एजेंसियों के खिलाफ मार्केट कमेटी सचिव, कंप्यूटर ऑपरेटरों सहित मिल मालिकों, आरतीयों सहित 13 लोगों के खिलाफ धान खरीद में घोटाले का मामला दर्ज हुआ था। अभी ये मामला ठंडा नहीं पड़ा था कि फिर होटल की अनाज मंडी में दोबारा से धान खरीद में बड़े स्तर पर घोटाला सामने आ गया, जहां सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी करके मिल मालिकों और आरतीयों के रजिस्टर खंगाले जा रहे हैं। दरअसल कल एक दिन में मंडी में 52,000 क्विंटल धान के गेट पास काटे गए थे, इसी को लेकर यह छापेमारी की गई और अभी इसकी जांच चल रही है। हम इस समय खड़े हुए हैं होडल के अनाज मंडी में, जहां पर आज फिर से होडल के अनाज मंडी में सीएम फ्लाइंग की दोबारा से छापेमारी की गई है। पहले यहां पर 20,000 क्विंटल धान का में गड़बड़ी पाई गई थी, जिसको लेकर लगभग 13 लोगों के खिलाफ जो आड़ेती मिल मालिक और मार्केट कमेटी सेक्रेटरी सहित खरीद एजेंसियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। लेकिन आज फिर से सीएम फ्लाइंग ने होडल के अनाज मंडी में फिर से छापेमारी की है, क्योंकि बताया जा रहा कि कल यहाँ पर लगभग 53,000 क्विंटल के गेट पास काटे गए, जो एक दिन में बहुत बड़ी संख्या गेट पासों की है। और उसी को लेकर सीएम फ्लाइंग को जब यहाँ पर दोबारा सूचना मिली कि होडल के अनाज मंडी में फिर से गड़बड़ी चल रही है, उसी को लेकर सीएम फ्लाइंग ने आज यहाँ पर छापेमारी की है। और सीएम फ्लाइंग टीम के इंचार्ज डीएसपी राजेश चेसी से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर उनको सूचना मिली कि यहाँ पर होडल के अनाज मंडी में फिर से गड़बड़ी चल रही है और खरीद जो यहाँ पर की जा रही है उसमें घोटाला चल रहा है। तो उसी को लेकर यहाँ पर उन्होंने अपनी टीम को लेकर पहुंचे हैं और यहाँ पर जांच की जा रही है। उनका कहना है कि जो भी जांच में तथ्य सामने आएंगे, अगर जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ फिर से दोबारा से कार्रवाई की जाएगी और उनके खिलाफ मामले दर्ज कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के सख्त निर्देश हैं कि जो अनाज मंडियों में लगातार जो गड़बड़ी चल रही थी, धान घोटाले सामने आ रहे थे, उसी को लेकर उनकी टीम लगातार इस पर काम कर रही है। अगर इस जांच में जो भी आड़ेती और मिल मालिक दोषी पाए जाएंगे उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि जांच में कितनी गड़बड़ी होडल के अनाज मंडी में पाई जाती है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज। और जांच में जो आउटपुट आएगा हम उसे आपको अवगत करा देंगे। आज मैं सीएम फ्लाइंग को टेक्निकली असिस्ट करने के लिए उनके साथ हूँ और जो भी मेरे विभाग से संबंधित वो जानकारी चाहेंगे वो मैं उनको सारी बताऊंगा और उनके साथ सहयोग करके जांच करवा लूँगा। ये तो हमारी ड्यूटी है जी, चेकिंग करना है और डीएसपी साहब की भी ड्यूटी है, ठीक है जी। तो ये कोई विशेष नहीं है, तो रूटीन चेकअप है, नहीं हड़कंप वाली बात नहीं जी। जो जायज होगा किसी का तो नाजायज तो हम कह ही नहीं रहे हैं। ऐसा है, आज फिर गुप्त सूचना थी कि कुछ जो धान की जो खरीद है और उसकी जो एंट्री है उसमें कुछ इमेजरमेंट कुछ गड़बड़ है, जिसके आधार पर संबंधित विभाग फूड एंड सप्लाई और जो एफसीआई और हम सारे उनका एक ज्वाइंट टीम जो है बनाई गई थी और आज जांच के लिए यहाँ पे आए और अभी पेपर्स जो है ना अभी वेरिफिकेशन हो रही है, तो अभी जाँच जब होगी तो पता चलेगा जी।